नमस्कार जनप्रवास सुपर फास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी आज संसद में भाजपा संसदीय दल की करेंगे बैठक। गोडसे पर बयान देने वाली साध्वी प्रज्ञा ठाकुर रहेंगी बाहर। पीएम मोदी झारखंड में दो जनसभाओं को आज करेंगे संबोधित। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में खूंटी और जमशेदपुर में करेंगे रैली। एसपीजी संशोधन विधेयक आज राज्यसभा में पेश करेंगे अमित शाह। गांधी परिवार की एसपीजी हटाए जाने को लेकर कांग्रेस करेगी विरोध। चंद्रमा की सतह पर दिखा चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर का मलबा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जारी की तस्वीरें। सितंबर में चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था चंद्रयान 2। नासा ने नीले और हरे डॉट्स के माध्यम से दिखाया मलबा। पीएम मोदी के साथ हुई मुलाकात पर शरद पवार ने किया बड़ा खुलासा। कहा पीएम मोदी के साथ मिलकर काम करने का दिया था प्रस्ताव। पीएम मोदी ने बेटी सुप्रिया को मंत्री बनाने का दिया था ऑफर। पवार बोले मैंने प्रधानमंत्री के प्रस्ताव को किया था स्वीकार। हैदराबाद मामले को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी। जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठी स्वाति मालीवाल। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लगाई गुहार। का खारिज हो निर्भया कांड के आरोपियों की दया याचिका। देवेंद्र फडणवीस के प्रोजेक्ट पर सीएम उद्धव ठाकरे ने लगाए ब्रेक। जब तक योजनाओं की मंजूरी ना दें भुगतान ना करें अधिकारी। सीएम उद्धव ठाकरे ने पलटा फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला। गुजरात की कंपनी को दिया गया 321 करोड़ का ठेका किया रद्द। सीएम उद्धव ठाकरे मुंबई में बनाना चाहते हैं विश्व स्तरीय मछली घर। अधिकारियों को प्रस्ताव का मसौदा तैयार करने का दिया निर्देश। स्वीडन के राजा और रानी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की मुलाकात। दोनों देशों के बीच पोलर साइंस समेत 3 मुद्दों पर हुआ करार। स्वीडन भारत मिलकर आतंक के खिलाफ करेंगे एक दूसरे का समर्थन। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे का सहयोग करने पर हुई चर्चा। लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी ने निर्मला सीतारमण को बताया निर्बला। जवाब में वित्त मंत्री बोली भाजपा में हर महिला है सबला। राजधानी दिल्ली को यमुना नदी का पानी बेचेगी हिमाचल सरकार। हिमाचल को सालाना 21 करोड़ रुपए की होगी आमदनी। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया फैसला। दिल्ली सरकार ने की थी यमुना नदी का पानी बेचने की पेशकश। भारत और चीन 7 दिसंबर को मेघालय में करेंगे संयुक्त युद्ध अभ्यास। अभ्यास में दोनों देशों के 130-130 जवान होंगे शामिल। युद्ध अभ्यास में आतंकी हमलों से निपटने की योजना बनने पर रहेगा जोर। मानवीय और आपदा के दौरान राहत कार्यों का होगा अभ्यास। आरटीआई के दायरे में आएगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद। एनएसए अजीत डोभाल के नेतृत्व वाले पैनल ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के घर में घुसे 5 लोग। पार्टी ने सुरक्षा को लेकर उठाए सवाल। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने घटना पर जताया अनभिज्ञता। बोले अधिकारियों से लेंगे मामले की जानकारी। दिल्ली में प्याज संकट को लेकर संजय सिंह ने पासवान पर साधा निशाना। बोले सरकार द्वारा मंगाए गए 32 लाख टन प्याज क्या सड़ गए। दिल्ली में सामने आए डेंगू के 1700 से अधिक मामले। नगर निकाय की रिपोर्ट में सामने आई जानकारी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र हुआ समाप्त। अनुपूरक बजट करने समेत विधानसभा उपाध्यक्ष के निर्वाचन का हुआ काम। भाजपा ने झारखंड के बागी नेताओं के लिए जारी किया फरमान। का पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने पर रद्द होगी सदस्यता। महाराष्ट्र की तरह गोवा में गठबंधन बनाने की कवायद को लगा झटका। कांग्रेस ने गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ गठबंधन से किया इनकार। केंद्र सरकार ने राज्यों को प्याज संकट को लेकर दी नसीहत। जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे सरकारें। सशस्त्र सेना झंडा दिवस को लेकर राजनाथ सिंह ने जताया भरोसा। बोले कारपोरेट सेक्टर पूर्व सैनिकों के लिए खुले दिल से करेगा योगदान। राजस्थान में ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना लागू करने को मंजूरी। गहलोत सरकार ने 2,286 लाख रुपए का किया अतिरिक्त प्रावधान। 17 दिसंबर को गहलोत सरकार शुरू करेगी निरोगी राजस्थान अभियान। गहलोत बोले नागरिकों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई नीति। आम्रपाली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने परियोजना को लेकर दिया आदेश। 31 जनवरी तक बकाए का भुगतान करें घर खरीदार। लोगों को मौलिक कर्तव्यों के बारे में जागरूक करेगा विधि मंत्रालय। संविधान दिवस कार्यक्रमों को साल भर आयोजित करने का बनाया प्लान। पुतिन ने पत्रकारों को विदेशी एजेंट घोषित करने वाले कानून पर किया हस्ताक्षर। आलोचकों ने इस कदम को मीडिया की आजादी का बताया उल्लंघन। सीबीआई ने 100 रुपए घूस मांगने वाले 2 डाक अधिकारियों को किया गिरफ्तार। जांच एजेंसी ने कहा भ्रष्टाचार में कोई मामला छोटा या बड़ा नहीं होता। यूनिसेफ लखनऊ में बाल अधिकार महासंवाद का करेगा आयोजन। अध्यापक अभिभावक और बच्चे सरकार से पूछ सकेंगे सवाल। रांची पुलिस ने 1.5 करोड़ के गहने और बिस्किट किए बरामद। चुनाव चेकिंग अभियान में लगी स्टेटिक सर्विलांस टीम को मिली सफलता। वित्त मंत्री ने देश में आर्थिक मंदी को लेकर किया दावा। बोली निवेश बढ़ाने के लिए की गई कर में कटौती दिखने लगा सुधार। धर्मेंद्र प्रधान ने युवाओं को तेल गैस क्षेत्र में संभावनाएं तलाशने की दी सलाह। बोले भविष्य में पैदा होंगे रोजगार के कई अवसर। बीएचयू में मुस्लिम अध्यापक की नियुक्ति पर छात्र समूह ने दिया धरना। पढ़ाई लिखाई ठप कर शुरू किया भजन कीर्तन। 7 दिसंबर को 2 दिवसीय यात्रा पर ओडिशा जाएंगे राष्ट्रपति। खुर्दा शहर के पास बरुनेई में पाइका स्मारक की रखेंगे आधारशिला। इलेक्ट्रिक बसें उतारने के लिए जापान से बात कर रही है पंजाब सरकार। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सड़कों पर उतरेगी तेजी से चार्ज होने वाली बसें। LIC ने क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर शुल्क किया समाप्त। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए उठाया कदम।
राजीव धवन को जमीयत ने अयोध्या मामले से हटाया। सीनियर वकील ने फेसबुक पर बयां किया अपना दर्द। सीएम केजरीवाल ने महिला सुरक्षा पर अमित शाह से मांगी मदद, बोले दुष्कर्म के आरोपियों को 6 माह के अंदर मिले फांसी। नेपाल की महिला क्रिकेटर अंजलि ने T20 मैच में रचा इतिहास, मालदीव के खिलाफ बिना कोई रन दिए 6 विकेट झटके। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भारत के करीब पहुंचा ऑस्ट्रेलिया, 176 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंची कंगारू टीम। अंक तालिका में 360 अंकों के साथ पहले स्थान पर है टीम इंडिया, 60-60 अंकों के साथ तीसरे और चौथे स्थान पर है न्यूजीलैंड श्रीलंका। आईपीएल 2020 की नीलामी में 971 खिलाड़ियों की लगेगी बोली, 11 देशों के 258 विदेशी खिलाड़ियों पर भी लगेगा दांव। 19 दिसंबर को कोलकाता में सभी खिलाड़ियों की होगी नीलामी, सभी टीमों को 9 दिसंबर तक सूची बनाने का दिया गया समय। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।